हेलो फ्रेंड्स, आपका आईआईटी होम क्रिएशन चैनल में स्वागत है। आज मैं आपको यह तरबूज डिज़ाइन का डोरमेट कैसे बना है उसके बारे में बताने जा रही हूँ। इस डिज़ाइन से हम बेबी के कान्हा का ड्रेस भी बना सकते हैं। अभी फ़िलहाल मैं डोरमेट बताने जा रही हूँ, आइए इसे देखें। बनाने के लिए हमें चाहिए होगा यह तीन कलर, और बीच बीच में कहीं पर बीज बनाने के लिए हमें ब्लैक कलर चाहिए, और इसके साथ में चाहिए होगा 11 नंबर की सिलाई, 11 नंबर की सिलाई। तो आइए इसे देखें। यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे मैंने यहाँ पहले से 1 2 3 बना रखा है इस तरह से। अब इसे बनाने के लिए हमने ये समझ लेंगे कि यह हरे रंग से हमें फंदे उठाने हैं। यहाँ पे टोटल फंदे 21 उठा लिए गए हैं। अब इसे हमें बिनाई करना है। बिनाई करने के लिए यहाँ देखेंगे दो लाइन मीन्स चार सिलाई हमें निकालने हैं। तो यह तो एक सिलाई होगी जो फंदे को उठाया गया। अब नेक्स्ट इसको जो बनाएंगे, बनाने के लिए हमें एक फंदे इस तरह से छोड़ेंगे और इसे सिलाई कंप्लीट करेंगे इधर भी इस तरह से सिलाई कंप्लीट करेंगे, और लास्ट पे हमें एक फंदे को सीधे बनाने हैं। ये टोटल फंदे यहाँ पे 20 है, इस हमने इसे 20 फंदे पे बनाया है। आप इससे बड़ा बनाना चाहते हैं तो 26 32 इस तरह से आप बना सकते हैं। आप जितना बड़ा रखना चाहते हैं, यदि 10 10 फंदे और बढ़ाना चाहते हैं, 40 फंदे के भी आप इसे बना सकते हैं। सिर्फ अंतर आएगा सेंटर पे कि कितने बढ़ाने हैं और कितने घटाने हैं, सेम बाकी प्रोसेस सेम रहेंगे। ये दो सिलाई हमने निकाल लिया, अब दो सिलाई और निकालने हैं इधर से भी, यहाँ से भी हमें बिन बनाते हुए यहाँ तक आने हैं। इस तरह से ये सिलाई कंप्लीट की, और यहाँ पे लास्ट में दो फंदे हमें छोड़ने हैं। ये देखिए दो फंदे हमने छोड़ दिया, सिलाई पलटेंगे, सिलाई पलट कर नेक्स्ट कंप्लीट करेंगे इस तरह से, पूरा कर लेंगे यहाँ तक। इस तरह से लास्ट वाले फंदे को सीधे बनाएंगे। अब हमें क्रीम से बनाना है। क्रीम से बनाने से पहले ये दो फंदे हैं ना, इसे फंदे छोड़ निकालने नहीं है, इसे बना लेना है। ये दो दो का बॉर्डर जो है चलेगा। अब मैं क्रीम से बनाऊंगी। क्रीम कलर से हमें यहाँ तक बनाने हैं, यहाँ तक बनाएंगे और चार फंदे छोड़ेंगे, यानी दो ग्रीन एगन छोटा छोड़कर फिर हमें क्रीम से बनाने हैं। सीधे तरफ क्रीम से बनाएंगे यहाँ तक, और ये दो ग्रीन निकाल लेंगे। इस तरह से हमें यहाँ चार सिलाई बनानी है क्रीम के इस तरह से चार सिलाई बनाने हैं। इस तरह से लाइन कंप्लीट किया, एगन जो है इस तरह रिपीट करेंगे, और रिपीट करते हुए हरा वाला फंदे को हरे से बनाएंगे, और दोनों फंदे किनारे तरफ जैसा कि मैंने बताया इसे बनाने हैं, इस धागे को ऐसे करते हुए बनाएंगे ताकि कि इसमें होल ना हो, और इसे हमें यहाँ से यहाँ तक बनाने हैं। दो फंदे छोड़ने हैं प्रत्येक सिलाई पे, यहाँ पे दो फंदे छोड़ेंगे, यहाँ देखेंगे ये दो फंदे छोड़ेंगे और फिर सिलाई को पलट लेंगे, पलट कर फिर इसे बनाने हैं। ये तीसरी सिलाई है क्रीम का, इसे कंप्लीट कर लेंगे। सिलाई कंप्लीट हो गई, नेक्स्ट सिलाई पे ये ग्रीन वाले फंदे तो बनेंगे ही। ये दो ग्रीन वाले फंदे हमेशा बनाने हैं हमें, ताकि ये किनारे की धारियां बने। अब यहाँ पे मैं रेड वूल लगाऊंगी इस तरह से। रेड वूल एक लगाया, और यहाँ पे एक फंदे को बढ़ाएंगे इस तरह से। फंदे आप जैसे भी बढ़ा सकते हैं, यहाँ पे मैंने इस तरह से बढ़ाया, एक का दो बनाया, यानी कि यहाँ पे अब एक एक फंदे बढ़ेंगे और पीछे दो फंदे घटेंगे यानी छूटेंगे। ये देखिए यहाँ दो फंदे में छोड़ने हैं, सिलाई पलटनी है और इसे कंप्लीट कर लेना है।
स्लाइड कंप्लीट हो गई है। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड पे ये दो तो हरे के बनेंगे ही, और एक फंदे ये रेड के हमें बनाने हैं। अब फंदे यहाँ पे बढ़ेंगे, टोटल बढ़ाते हुए फंदे हमें, पहले तो टोटल है 20, और 20 से ये 9 फंदे हमें बढ़ाने हैं। तो यहाँ एक फंदे को मैंने ऐसे ही उतार लिया, यानी रेड से बनाया। अब मैं यहाँ फंदे बढ़ाऊँगी, फंदे बढ़ाने के लिए और साथ में दूसरा कलर हमें यहाँ लगाना है, तो मैं यहाँ पे ये ब्लैक वूल लगाऊँगी। ब्लैक वूल को देखिए हम इसे इस तरह से एक ही फंदे पे मैं दो बार बनाने वाली हूँ, ब्लैक से ही फंदे। यहाँ पे देखेंगे ये दो फंदे बन गए, अब रेड से बनाएंगे। रेड से चार फंदे बनाने हैं, 1, 2, 3, 4, 4 रेड के बने, 4 हो गए। रह गए यहाँ पे दो फंदे और बनाएंगे हम ब्लैक से, 1, 2, 2 बनाया। अब इधर हमें 1, 2, 2 फंदे बनाएंगे और 2 लेफ्ट करेंगे। सिलाई पलटेंगे और इसे जो जिस फंदे से बना है उसे बना लेंगे, जैसे रेड को रेड से बनाया, ये फंदे पीछे करेंगे, आगे करेंगे और ब्लैक को बनाएंगे, फिर इसे पीछे करेंगे, फिर ब्लैक को रेड को आगे करेंगे, इस तरह से फिर पीछे, फिर ब्लैक वाले फंदे आगे होंगे, अब इस बार रेड वाले, और इस बार लास्ट वाले यानी कि ग्रीन वाले। इस तरह से ये रो हमें कंप्लीट कर लेना है। कंप्लीट हो गया, अब आगे ग्रीन वाले दो फंदे तो बनाने ही है, अब रेड से बनाएंगे। रेड वाले फंदे अब यहाँ जैसे कि फंदे बढ़ेंगे, इस तरह से दबा लेंगे ताकि होल ना हो, जैसा कि मैंने पहले बार ही कहा था। ये देखिए मैंने फंदे बढ़ा दिए, यहाँ पे फंदे जो एक एक करके बढ़ा रहे हैं, जैसा कि मैंने पहले बताया 9 फंदे में हो जाएंगे, यानी टोटल उधर 20 फंदे मेरे पहले से हैं, 9 फंदे बढ़ेंगे, 29 फंदे हमें करने हैं। ये देखिए ब्लैक वाले को भी हमें रेड से बना लेने हैं, क्योंकि हमें यहाँ 2 छोड़ने हैं, और फिर इसे सिलाई पलटनी है और इसे कंप्लीट करना है। सिलाई कंप्लीट हो गई है, नेक्स्ट इस तरह से हम फंदे बढ़ाएंगे और पीछे के 2 फंदे को छोड़ेंगे। फाइव, 7, 8, 9, 9, 10, 11 इसे अब लेफ्ट करना है, फिर सिलाई पलटनी है और फिर हमें पूरे करने हैं। इस तरह से आप फंदे बढ़ाते हुए हमें 9 फंदे बढ़ा लेने हैं। सिलाई कंप्लीट है, नेक्स्ट सिलाई पे फिर फंदे उसी तरह बनाएंगे और बढ़ाएंगे। ये हमें टोटल 20 फंदे तक, 20 फंदे तक हमें 2-2 छोड़ने हैं। ये देखिए यहाँ हमने बढ़ा लिया, अब फिर इधर के इधर हो गए 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये 2 फंदे छोड़ने हैं टोटल। इधर टोटल इस तरह से 2-2 करके ना 20 छूटेंगे, 1, 2, 3 and 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 और 2, 2, 4 ये छूटेंगे। इसके लिए हमें यहाँ पे फंदे बढ़ाएंगे और टोटल यहाँ पे 9 फंदे तक हमें कर लेना है।
तरह से, लेकिन रिपीट किया, दो फंदे बढ़ाया, थ्री, और इधर के हो गए टू, फाइव सिक्स सेवन एट नाइन। यहाँ देखेंगे ये नाइन फंदे बढ़ गए, अभी ये हमारे ट्वेंटी फंदे छूट गए, टोटल ट्वेंटी नाइन फंदे हो गए हैं। फिर ग्रीन से बनाएंगे, ग्रीन से बनाने के बाद अब यहाँ पे नाइन फंदे बढ़े हुए हैं, इस पर हमें ये बनाया। अब एक फंदे हम ऐसे बनाएंगे और दो फंदे हम इससे बनाएंगे, किससे, ब्लैक से, दो फंदे ब्लैक से बनाया। और यहाँ पे अगेन जो है वन टू, ये दो लेफ्ट होने थे, ये दो बनाया। ये बीच जो है ना कहीं कहीं पे हम दे सकते हैं, तो यहाँ पे मैं अब देने जा रही हूँ ये दो, जिसे लेफ्ट करने वाले, इसे अब लेफ्ट नहीं करने हैं हमें, इसे जो है ना इसे यूँ करके बना लेना है, यूँ बनाया और फिर इसे टर्न लेना है, टर्न लेकर इसे हमें इस रो को कंप्लीट करना है, जो जिस कलर से बने हैं उसे हमें बना लेने हैं। ब्लैक को ब्लैक से बनाया, रेड को रेड से बनाया, और फिर ब्लैक को ब्लैक से बनाएंगे, रेड को रेड से, अगेन जो है ग्रीन को ग्रीन से बना लेंगे। ये देखिए ग्रीन से बनाया। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट में फंदे जो बढ़े हैं इधर के, इधर भी घटेंगे, इधर से भी घटेंगे, कैसे घटाने हैं उसे मैं बताने वाली हूँ इस सिलाई पे। ये देखिए ये एक फंदे बढ़े थे ना, इसे दो का एक हमें रेड से बनाने हैं, अगेन इसे बना लेने हैं, इसे भी बनाने हैं, इसे भी बनाने हैं, और ये जो हमने बनाया था इसे भी हम इस पर इस तरह से बनाएंगे। बना दिया। अब ये दो का ना, ये जो दो इस सिलाई पे छूटे हुए हैं सारे दो दो वाले हैं, हमें यहाँ पहले इसे घटाने हैं, घटा दिया दोनों तरफ से। अब सिलाई पलटेंगे और यही प्रक्रिया दोहराएंगे, इसे हम बनाएंगे नहीं, इसे उतार लेंगे इस तरह से, हम नेक्स्ट को बनाएंगे ताकि होल ना बने। इस तरह से सीधे तरफ कंप्लीट करेंगे, नेक्स्ट भी सेम प्रोसेस, मतलब दोनों तरफ से फंदे अब बंद होंगे, जिधर से हमने बढ़ाए थे ये देखें, देखेंगे इस तरह से, इस तरह से दो का एक किया और फिर बीच का बनाएंगे हम यहाँ तक, इसे बंद करेंगे, नेक्स्ट भी आएंगे फिर इसे बंद करेंगे। इसे बंद करने से पहले मैं यहाँ बताऊँगी कैसे कैसे बंद करने हैं, हमें यहाँ तक बंद कर लेते हैं, यानी यहाँ जो नौ फंदे बढ़े हैं ना, नौ फंदे को हमें बंद करना है, ट्वेंटी फंदे इस पर रखने हैं। यहाँ देखेंगे ये टोटल फंदे जो है ट्वेंटी हो गए, टू फोर सिक्स एट टेन ट्वेल्व फोर्टीन सिक्सटीन एटीन एंड ट्वेंटी, ट्वेंटी फंदे हो गए हैं। अब यहाँ पे हमें अगेन इसे दोहराएंगे और यहाँ पे बीज बनाएंगे, एक बनाएंगे और दो फंदे हम इससे बनाएंगे ब्लैक से, दो ब्लैक से बनाया, और फिर हमें यहाँ से यहाँ तक रेड से बनाना है, इसे मैं रेड से बना लेती हूँ। इस तरह से रेड का ये दो फंदा जो है इसे बनाएंगे और इसे टर्न लेंगे, और टर्न लेकर रेड को रेड से, ब्लैक को ब्लैक से, ग्रीन को ग्रीन से कंप्लीट करेंगे।
कंप्लीट हो गया। अब इसे यहाँ देखेंगे, ये दो फंदे जो क्रीम के हैं इसलिए अब क्रीम के बनाएंगे। ग्रीन के दो फंदे बनाए, अब यहाँ से टोटल क्रीम के बनाए। अब इस पर क्रीम से दो चार सिलाई हमें बनाने हैं। दो बनाया इसका, दो फंदे इसके, इस तरह से फिर सिलाई पलटेंगे और इसे कंप्लीट करेंगे। सिलाई को इस तरह से ये दो और दो चार जैसे ये बनाए हैं वैसे बनाएंगे, फिर इसके ऊपर इस तरह से बना लेंगे और इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से देखेंगे यह कंप्लीट हो गया है। इस तरह से हमें इसे राउंड में कंप्लीट कर लेना है। यहाँ देखेंगे, यहाँ पे हमने इसे इस तरह से इसे राउंड करते हुए कंप्लीट कर लेना है। अब हमें यदि दूसरे पार्ट को बनाने हैं तो फिर इस पर सेम प्रोसेस दोहराएंगे इस तरह से, और दोहराते हुए इसे कंप्लीट कर लेंगे। इस तरह से इसे कंप्लीट कर लिया गया है। अब यहाँ देखें ये बीच वाले पोर्शन, यहाँ पे इसे सिल लेने हैं, सिल के इसे कंप्लीट कर लेने हैं। और रह गई बात सेंटर, सेंटर पे आप फ्लावर लगा भी सकते हैं, नहीं तो नहीं भी लगा सकते हैं। ऐसे मैं इस पर एक लगाऊंगी। ये देखिए इसे सिल लिया गया है, इस तरह से बैक साइड से इसे सिल कर कंप्लीट कर लिया गया है। अब इस पर एक पर्ल वाला यह एक फ्लावर है, इसे मैं इस पर स्टिच करने वाली हूँ। ये देखिए ये इसे स्टिच करके कंप्लीट कर लेना है। ये देखिए स्टिच हो गया। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा आप इसे लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।